जय श्री राम। बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको नववर्ष 2018 के लिए राशि मकर के जातक। मैं आचार्य राज मिश्रा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका 2018 हर प्रकार के सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे। 2017 की योजनाएं जो असफल रही हैं वो आपकी 2018 में सफल हो जाएं। आप अच्छी उन्नति प्राप्त करें, आपका जीवन समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे। ज्योतिषीय गणनाएं क्या कहती हैं और क्या कहता है श्री रामचरितमानस आपके 2018 के लिए, आइए इस पर चर्चा करें। 2018 में थोड़े से कष्टों का सामना करना पड़ेगा, सावधानियों के साथ ही समय को व्यतीत कीजिएगा। जैसा कि आपकी राशि स्वामी जो कि मकर राशि के स्वामी हैं शनि, वो भी धनु राशि में गोचर करेंगे, अपने से द्वादश भाव में गोचर करेंगे, यानी जो शारीरिक प्रक्रिया है वो बहुत साथ नहीं देने वाली है, जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा साथ नहीं देने वाला है। तो हर चीज़ के खान पान पर विशेष ध्यान देना है। आप प्रति चीज सोच समझ करके खाएंगे तो आपका 2018 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। अगर हिंदुस्तान के बजाय आप विदेश में जाकर के 2018 व्यतीत करेंगे तो आपके लिए सारी सफलताएं आपके साथ होंगी, आपकी योजनाएं भी सफल होंगी और जीवन में अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। यदि आप प्रदेश में रहते हैं और उस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2018 में फालतू के लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। दूसरे के लड़ाई झगड़े में आपने पड़ने का प्रयास किया और खासकर जून और जुलाई के महीने में, तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और दूसरे का झगड़ा अपने सर पर आप मोल ले लेंगे, जिस कारण से कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। 2018 धन की परिस्थितियों को भी यदि लेकर के देखा जाए तो बहुत अच्छा आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को ठीक किया जा सकता है। किस प्रकार? शारीरिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां दोनों चीज़ों को यदि हमने अनुकूल बनाना है तो हमें भगवान हनुमान जी की शरण में 2018 में जाना बहुत ही आवश्यक है। हनुमान जी की आराधना से हमारा 2018 शारीरिक और आर्थिक परिस्थितियों के लिए बेहतर हो सकता है। क्या करना चाहिए हनुमान जी की, किस प्रकार? एक तो आपको नियमित रूप से ध्यान रखना है, महीने में एक मंगलवार को हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना है, सिंदूर इत्यादि ले जाकर के हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना है महीने में एक मंगलवार को। उसके साथ अगर पॉसिबल हो पाए तो श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 17 है, प्रणव पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचा पधर, इसका नियमित रूप से आपको पाठ करना आपके स्वास्थ्य में वृद्धि देने वाला होगा। जो आर्थिक परिस्थितियां आपकी खराब हैं उन आर्थिक परिस्थितियों को भी बेहतर करने वाला होगा। ये चीज़ें आपके स्वास्थ्य और धन को लेकर के रहेंगी। परिवार के कुछ सदस्य भी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, पारिवारिक सदस्यों में भी अनबन रहेगी, इसी दोहे के पाठ से आपकी वो अनबन भी दूर होगी। पर उसके साथ आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, मानसिक क्षमता आपकी बढ़ी रहेगी, बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ी रहेगी, जिस कारण से मन के द्वारा किए गए प्रयास आपके निश्चित रूप से आपको सफलता देने वाले होंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो नौकरी है उसका जो व्यवसाय है वो बेहतर तरीके से चलता रहे। ये दोनों परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपकी परिस्थिति 2018 में बहुत अच्छी रहने वाली है, व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। नौकरी में जो दिक्कतें चल रही थी वो दिक्कतें आपकी दूर होंगी। बहुत दिन से आप बेरोजगार हैं तो आपको 2018 में रोजगार प्राप्त होगा, रोजगार की परिस्थिति के लिए 2018 आपका अनुकूल रहने वाला है। भाग्य 2018 में आपके साथ रहेगा, पढ़ाई से संबंधित चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी। यदि प्रेम संबंध आपका चल रहा है तो वो और प्रगढ़ होगा 2018 में। शादी में उसको तब्दील करना चाहते हैं तो वहाँ भी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। पति पत्नी के आपसी संबंध यदि अच्छे नहीं हैं, खराब चल रहे हैं, 2018 में उनको अनुकूल बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अनुकूल रहेंगे। संतान नहीं है, संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो 2018 आपको संतान भी प्रदान करने वाली होगी। यानी कुछ परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं और कुछ परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हैं। जो परिस्थिति आपके प्रतिकूल है उसके लिए मैंने आपको श्री रामचरितमानस बालकांड का दोहा बताया है, इस दोहे का नियमित रूप से पाठ कीजिएगा तो आपकी परिस्थिति जरूर अनुकूल हो जाएगी। भाग्य 2018 में जरूर आपका साथ देगा। तो मैं कहना चाहूँगा, शारीरिक श्रम के बजाय मानसिक श्रम और भाग्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने के बजाय
कर्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से 2018 आपके लिए अनुकूल रहेगा। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट कार्य करने जा रहे हैं, तो पिता को प्रणाम करके 2018 में या पिता से राय लेकर के उस कार्य के लिए प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। मैं आचार्य राज मिश्रा सदैव चाहता हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, आपके लिए 2018 अनुकूल हो, यही मेरी भगवान राम से प्रार्थना है। जय श्री राम।